बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे। HBL PSL 9 अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। आज आखिरी मैच खेला जा रहा है लीग का, और फिर उसके बाद क्वालिफायर, एलिमिनेटर, और फिर 18 मार्च को नेशनल स्टेडियम कराची में HBL PSL 9 का जो है वो फाइनल खेला जाएगा। चार टीमें पहले ही क्वालिफाई कर चुकी हैं, मुल्तान सुल्तान, पेशावर जलमी, क्वेटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड। दो टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं। इस वक्त मुकाबला जारी है मुल्तान सुल्तान और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीमों के दरमियान कि कौन सी टीम जो है आज के मैच में फतह के बाद नंबर वन और नंबर टू पोजीशन पर आती है। और चूँकि 11 जो कि पेशावर जलमी और इस्लामाबाद यूनाइटेड भी इस रेस में, तो अब देखते हैं होता क्या है। इस्लामाबाद यूनाइटेड तो खैर चौथे नंबर पर आई है, लेकिन पॉइंट्स टेबल पर जब हम नज़र डालेंगे तो आपको बताएंगे कि क्या सूरत हाल है। लेकिन इस वक्त जो मैच जारी है, 186 रन का टारगेट मिला है फतह के लिए इस वक्त क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम को, जिसने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने की दावत दी थी जो है वो मुल्तान सुल्तान की टीम को। आज मोहम्मद रिजवान ने एक मरतबा फिर उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया, 69 रन उन्होंने स्कोर किए। और फिर जॉनसन चार्ल्स, जिनका ताल्लुक वेस्ट इंडीज़ से है, उन्होंने क्या बैटिंग की, कमाल की बैटिंग की उन्होंने। वो जारहाना अंदाज से खेलते हैं, ओपनर है, लेकिन नीचे आए और उन्होंने ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी। और वो जिस तरीके से आखिरी ओवर्स में इफ्तिखार अहमद ने उनका साथ दिया, 53 रन स्कोर किए जॉनसन चार्ल्स ने, और इफ्तिखार अहमद ने 8 गेंदों पर सिर्फ 20 रन बनाए। तो यकीनी तौर पर यह मैच जो है, अब देखते हैं किस तरफ जाता है। इब्तदाई दो ओवर में सऊद शकील और जेम्स विंस जो है वो क्रीज पर मौजूद हैं। इस मैच के हवाले से बात करेंगे, और इसके अलावा साथ ही साथ जो इस टूर्नामेंट की सूरत हाल है उसके हवाले से बात करेंगे, और आपकी टेलीफोन कॉल्स भी हर रोज़ की तरह आज भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अगर आप कराची से बाहर से कॉल कर रहे हैं तो कराची का कोड 021 डायल करके 3580-4224 पर कॉल करें। और हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन खुर्रम मंजूर और पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर तनवीर अहमद। गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं हम खुर्रम मंजूर से। खुर्रम, कैसे देखते हैं कल के मुकाबले में, आज की पिच ज़रा मुख्तलिफ थी, कल गेंद ग्रिप कर रहा था, आज इस तरह से ग्रिप नहीं हो रहा था जिस तरह से कर रहा था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कल तो बिल्कुल ही एक पूरे टूर्नामेंट का सरप्राइज पैकेज था ये जो पिच था, मगर आज कल के मुकाबले में बेहतर पिच है। ग्रिप नहीं हो रहा था, मगर लो बाउंस विकेट था। आपने फास्ट बॉलर की बॉल भी देखी, एक दो तो बॉलर नॉर्मल बॉल नीचे पेस नहीं, वो दो टप्पे में गई है, कीपर्स को भी प्रॉब्लम हो रही थी। मगर ये वो पिच है, इस पे आप टाइम लेंगे तो लंबे रन करेंगे। रिजवान ने बहुत स्मार्टली बैटिंग की आज। अगर रिजवान में वो फंस के खेला, रिजवान अगर टाइम नहीं विकेट पे गुजारता तो मुझे नहीं लगता कि मुल्तान सुल्तान ये टोटल कर पाती। लेकिन इस वक्त जो है सूरतेहाल, जेसन रॉय आउट हुए हैं, जेसन रॉय आउट हुए और मेरे ख्याल से मुमारी भी हुई है थोड़ी सी ना जेसन की इफ्तिखार के साथ। अभी वो डेविड बिली ने विकेट हासिल की, बिली ने किया, क्योंकि साथ ही खेलते हैं, इनको आइडिया था कहां ये हुई, ये देखें आप, अभी पलटेगा जेसन ये। हाँ बिल्कुल, ये तो तनवीर जो सूरत हाल है, आप समझते हैं कि बड़ा हीटेड मैच है जिसमें मुल्तान सुल्तान चाहेगा कि नंबर वन पे आए, क्वेटा ग्लैडिएटर्स की कोशिश है। जेसन रॉय जिन्होंने पिछले मैच में ओपन की थी, अभी वो जल्दी आउट हो गए, क्या देखते हैं, 186 रन का हदफ मुश्किल होगा इस पिच पर। देखिए जेसन रॉय तो वैसे ही आउट ऑफ फॉर्म है पूरे टूर्नामेंट में, और जाहिर सी बात है इस किस्म की जो हीटेड चीज़ें होती हैं वो तो होंगी, जेसन रॉय की तरफ से भी होगी, और मेरे ख्याल में इफ्तिखार ने शायद गलती की, क्योंकि जेसन रॉय ने टांग जो उसने मारी है वो इस वजह से मारी है कि आज फिर वो आउट ऑफ फॉर्म रहे, लेकिन इफ्तिखार ने जरूर कुछ ना कुछ बोला होगा, क्योंकि वो काफ़ी जो है वो बोल रहा आजकल, जरा सा परफॉर्म कर देता है, बोलता रहता है कुछ ना कुछ सोशल मीडिया में आने के लिए, ये क्या है, कभी असद शफीक के साथ कर रहा है, कभी किसी के साथ कुछ ना कुछ कर रहा है। तो मेरे ख्याल में ये एक ही 50 किया इस पूरे टूर्नामेंट में कराची किंग्स के खिलाफ जेसन रॉय ने कराची में। देखिए वो तो जाहिर सी बात है अब उसकी फॉर्म है ही नहीं, क्वेटा की जो दो तीन प्लेयर हैं जिसने जेसन किया, रायलो रूसो, आज रायलो रूसो के लिए एक इम्पोर्टेंट इनिंग है अगर उसने अपनी टीम को आगे लेके जाना है, क्योंकि रन्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, ये रन्स जो हैं ये इतने ज्यादा इस पिच पे होने नहीं चाहिए थे। लेकिन आखिरी ओवर में बड़ी मार लगी, लेकिन ना? नहीं वो तो लगी, लेकिन जो स्पिनर्स ने बॉलिंग की है वो बहुत गंदी बॉलिंग की, इब्रार ने बहुत बुरी बॉलिंग की, फिर उसमें उस्मान तारिक ने जो है वो अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके। देखिए चार्ल्स के सामने जब आप बॉलिंग करने आते हैं ना तो आपको बड़ा एक उसको आप फ्री हैंड नहीं दे सकते। उस्मान तारिक को उसने जो है वो मारना शुरू किया, एक ओवर में वो ठीक ठाक उसने रन्स कर दिए तो उसका बैट जो है वो खुल गया। और रिजवान की जिस तरह बात हो रही है,
बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली और हम कुछ मैच पहले कह रहे थे रिजवान है किधर, मतलब वो उस किस्म की इनिंग्स नहीं खेल पाया। आज उसने बड़ी जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली है, यकीनन इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद मौजूद हैं, लेकिन हमने आपको टेलीफोन नंबर दिया था कॉल्स के लिए, तो आप पहले कॉलर इस वक्त टूर्नामेंट के हम इस प्रोग्राम के हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम मर्दा भाई जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं मंसूर अहमद बात कर रहा हूँ कराची से। मेरा तनवीर भाई से और कुरम भाई से सवाल है जी के शाहनवाज धानी पूरा टूर्नामेंट नहीं खेला और टोटल चार ओवर करवाए, उसके बाद उसको बेंच पे बिठा दिया गया, इसकी क्या वजह हो सकती है? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। डोमेस्टिक क्रिकेट में लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है अपना फ्रेंचाइज क्रिकेट में जी, क्या कहेंगे खुरम? सर सच बात ये है कि लाइकिंग डिसलाइकिंग तो है और हर जगह होती है, मगर शाहनवाज धानी के केस में ना इस नौबत पे देखें, विद रिस्पेक्ट मेरा खुद वो फेवरेट बॉलर है, मगर वो इस नहज पे खुद पहुंचा है। उसका क्रिकेट से ज्यादा दूसरी चीजों पे कॉन्सेंट्रेट था, मैच मिला उसमें उसकी बॉलिंग एटीट्यूड फील्डिंग एटीट्यूड जो इस जिस टीम की वो जान था टूर्नामेंट जितवाने में, सिंगल में इसकी वजह से बेस्ट बॉलर हुआ, बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट बना, और आज वो बेंच पे बिठाए हुए और उसकी तरफ वो सोच भी नहीं रहे कि हम आपको फर्स्ट चॉइस वो जॉर्डन को देख रहे हैं। हाँ, क्रिस जॉर्डन। और देखें आप बीइंग अ प्रोफेशनल खेल रहे हो, ये दुनिया की टॉप लीगों में आती है, आप यहाँ से पाकिस्तान टीम के दरवाजे को नॉक करते हैं। तंदीर आपकी क्या ओपिनियन है? हम छोटे छोटे जवाब लेंगे। देखिए जिस तरह वहाब रियाज ने भी टीवी पे आके एक चीज बोली थी कि जी नेट्स वगैरह करता नहीं है, उसका वहां पे ध्यान नहीं है, फिर काफी चीजें नजर आती थी कि ये सेलिब्रेशन की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है, विकेट्स की तरफ जा नहीं रही। लेकिन ये देखें मेरी जरा सोच थोड़ी सी डिफरेंट है, मैंने बहुत से लड़के देखे हैं, बहुत से बड़े बड़े नाम देखे हैं, अपनी आंखों से देखे हैं, नेट्स पे गेंद ही नहीं करते थे, दो कदम से गेंद करते थे, वो कहते थे सेव करेंगे मैच में जोर मारेंगे। अगर ये चीज शाहनवाज धानी कर रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? कहीं ना कहीं फिर मुझे एक चीज नजर आती है कि आप जरूर कोई ना कोई लोग उसके खिलाफ एक प्लान बनाने के चक्कर में लगे हुए कि यार इसको बाहर करो किसी ना किसी तरीके से। हमने 85 दफा देखा है, मैं अपनी मिसाल देता हूं, जब फर्स्ट क्लास का सीजन होता था ये हम कभी कभार गेंद करते थे, कभी नहीं गेंद करते थे, हम रेस्ट करते थे कि यार सीजन चल रहा है लंबी बॉलिंग वहां करेंगे, आके थोड़ा सा रनअप में छोटी छोटी बॉल कर दी, ज्यादा एफर्ट की नहीं, तो मुझे कहीं ना कहीं नजर आता है। देखें एक प्लेयर अगर इतना अच्छा है ना तो उसको आप खिलाते हैं। अच्छा दूसरी विकेट गिर गई, सऊद शकील 14 रन बनाकर आउट हुए, डेविड विली ने आउट किया, दोनों डेविड विली ने आउट किए, पहले जेसन रॉय आउट हुआ, अब सऊद शकील, यही दोनों मेन प्लेयर थे इनके जो रन स्कोर कर रहे हैं। इकबाल भाई रन आउट हुआ है सऊद शकील, सऊद शकील आज खेल रहा है, डेविड विली ने उसको इतने क्लीन वो शॉट्स खेल रहा था और एफर्टलेस, जो इसने एक पिकअप शॉट मारा है छक्का, ये नॉर्मल शॉट नहीं है, मैं बैट फॉर्म में था, बहुत जबरदस्त पीक फॉर्म पे चल रहा है, और जिस तरह का वो आउट हुआ, जिस तरह वो रन आउट हुआ है ना, वो कॉल आके रोक दिया रायली ने, मतलब या तो आप भागे ही नहीं, सही आप डाउट में है, आप अपनी विकेट थ्रो कर देना अगर आप फॉर्म में नहीं। ये समझदार, देखें ये रॉकेट साइंस नहीं है, ये हमें क्रिकेट में सिखाया जाता है। आप कैसे देखते हैं कि सऊद शकील का आउट होना, पिछले मैच में 88 नॉट आउट आखिर तक मैच को लेकर गया, आज जल्दी आउट हो गया और रॉय भी आउट हो चुके हैं तो मुश्किल में आ सकती है। सऊद शकील का रन आउट होना डेंजरस हो सकता है क्वेटा के बनिस्बत रायले रूसो के, लेकिन रायले रूसो जाहिर पता कंफ्यूज है, वो खुद शायद चाह रहा है कि मैं खड़ा रहूं पिच पे, मैं जितवाऊं किसी तरीके से, तो आपने अगर इतनी बड़ी विकेट गवा दी है ना, ये कप्तान ने खुद जाया की है, तो कप्तान को चाहिए कि फिर, मैं ये नहीं कहता आप मैच जितवा दो, ये मैं ये कहता हूं आपकी टीम आगे पहुंच गई है, आप कम से कम रन्स करके अपना कॉन्फिडेंस लेके। अब जो इनकी बैटिंग है, ख्वाजा नाफे, फिर उमर बिन यूसुफ, या ख्वाजा नाफे ने भी कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेली, एक आध मैच, तो आप प्रेशर नहीं आएगा? इकबाल भाई थोड़ा सा अगर आप इजाजत दें तो मैं थोड़ा, ये सवाल जो है ना थोड़ा डिटेली जवाब है, क्योंकि ये टीम जा रही है अब टॉप फोर में, टॉप फोर में इनकी मिडिल ऑर्डर पे सवालिया निशान है, बिल्कुल, क्योंकि जेसन और जैसा भी है जेसन, उसकी 20-25 की लगी हुई है, उसने 1.50 की है मगर 20-25-15 चल रहा था। सऊद शकील आउटस्टैंडिंग खेल रहा है, बीच में किसी ने रन नहीं किए, एक रदरफर्ड था, वो एक मैच में उसने इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस किया, वो चला गया। अभी ये नहीं है कि हम इस पे डिपेंड कर रहे हैं, हम उमर अमीन का बोल रहे हैं, ये खिला नहीं रहे, विली स्मिथ को भी नहीं खिला रहे, विली स्मिथ नहीं खिला रहे सर, मैं वही वाली बात है, खैर अपनी अपनी होती है सोच, मगर उनका इरादा क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आप क्या कहेंगे जिस तरह खुर्रम ने वजाहत की? देखिए मेरे ख्याल में जेसन रॉय को बहुत चांसेस मिल गए, मिडिल ऑर्डर हल्का है क्वेटा का, है लेकिन मत, नहीं मिडिल ऑर्डर हल्का है या नहीं उसको तो हम देखते हैं ना, क्योंकि रायलो रूसो तो कप्तान है, वो तो बाहर होगा नहीं, लेकिन अगर आप जेसन रॉय को इतने मैचेस मिल गए हैं, 10-10 मैचेस मिल गए, उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, तो विल स्मिथ को मौका मिलना चाहिए, जरूर मौका मिलना चाहिए, वो तो बड़ी अच्छी फॉर्म में था, वो बड़ा अच्छा
समझा हुआ है पाकिस्तानी पिचेस को कि कैसे इसमें बैटिंग की जाती है। लेकिन मुझे आप एक कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा आपका है? जी जी, क्या कहेंगे, कौन सा बात कर रहे हैं? सर लाहौर से काशिफ बात कर रहा हूं। जी काशिफ, क्या पूछना चाहेंगे? सर आज जो बॉलिंग की है के बॉलर ने वो ऑफ स्टंप पे फिटर नहीं है, सर लेग्स पे बॉल करवा रहे हैं ना उनका, तो वो टेम्परामेंट वगैरह जो है ना स्टैमिना और नाम की लाइन लाइन सर, तभी तो 185 स्कोर हुआ ना। आप देखें मोहम्मद आमिर, उनकी पिटाई हुई, फिर उसके अलावा उस्मान तारिक को आज इजाजत मिल गई, क्लियर हो गए, उनकी पिटाई हुई, अबरार अहमद भी इतने इफेक्टिव नहीं हुए, तो पिटाई तो हुई ना, क्योंकि इन्होंने अच्छी लाइन और लेंथ पर बॉलिंग नहीं की थी। काशिफ साहब जी जी सर, इससे मैंने क्यों नहीं करते सर, मैं भी खेलता हूँ सर, सर बुरा जी कहा से ठीक है सर, मुझे समझ नहीं आती सर, थोड़ा सा बॉलर है जैसे वैसे आपके पास वो अगर बताएंगे क्या कह रहे हैं, समझ नहीं आ रही आपकी आवाज, समझ आ रही है हमें तो मुझे कट के आ रही है आवाज आपकी, कट के आ रही है। काशिफ साहब बहुत शुक्रिया, आपने लाहौर से हमें कॉल किया, आपका सवाल समझ में नहीं आया, लेकिन अब क्या देखते हैं, दो विकेट लेने के बाद टेल अप है मुल्तान सुल्तान से। सर अगर ये फील्डिंग रही तो यार जाएंगे, सीधा चौका छोड़ दिया, और वो भी रायली रोसो जो स्ट्रगल कर रहा है, वो पिकअप शॉट खेला उसने, मिस फील्डिंग, सीधी बॉल छोड़ दिए, इस तरह के प्लेयर को एक आध शॉट चाहिए होता है, अगर वो आएगा वो नहीं छोड़ेगा आपको। क्या कहेंगे आप? ये इसके रन्स वाला शॉट है ये जी, अगर आप इस पे इसको देंगे ना मौके तो वो रन्स बना मुश्किल डाल देगा, वो बड़ा जबरदस्त है, जितना भी पीएसएल खेला उसने इन्हीं शॉटों पे चक्के मारे। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया प्रोग्राम में एक ब्रेक का, ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे, जोश जगा दे एचबीएल पीएसएल 9 के हवाले से एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगादे में खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। 33 रन्स पर दो विकेटें अब तक गिर चुकी हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम की, पांचवें ओवर का खेल जारी है और उन्हें टारगेट जो मिला है 186 रन्स का, और रायली रोसू जो उनके कप्तान हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट में कोई ज़्यादा इम्प्रेसिव कारकर्दगी नहीं पेश की, वो इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं और उनके साथ उमैर बिन यूसुफ है। खुर्रम, रायली रोसू के पर आज एक बड़ी इनिंग्स ड्यू है। सर अगले सारे मैचों में ड्यू है, एक तो माशाल्लाह आपका लेवल ऊपर है क्योंकि आप वाहिद फॉरनर प्लेयर हो जो सबसे अच्छे परफॉर्मर हो, पीएसएल के टॉप 10 में आते हैं आप रन्स गेटर में, तो आपका एक लेवल है वो पूरा मिस दिखा है इस एडिशन में, कहीं भी आप टच में नहीं लगे, आज थोड़ा लग रहा है उनका जिस तरह बैट पे बॉल आ रही है, जिस तरह दो उन्होंने पिकअप शॉट खेले हैं, तो आज हो सकता है, और ये क्वेटा के लिए फॉर्म में आना जरूरी है क्योंकि ये इन पे बहुत डिपेंड कर रहे हैं। हाईएस्ट स्कोर 30 रन है रायली रोसू का इस एचबीएल पीएसएल में, वरना जिस तरह आप दोनों कह रहे थे कि इसने तो रन के अंबार लगाए माजी में, कप्तानी की वजह से भी इसकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ा है? देखें फर्क पड़ता है, अब मैं अगर रिजवान की कप्तानी की बात करूं, जो ये इसने कॉलिन मनरो के खिलाफ जो उसने इफ्तखार से बॉलिंग नहीं करवाई थी जिसकी वजह से कॉलिन मनरो ने रन्स कर दिए थे, आज भी रायलो रोसू उसको सामने है, अगर इफ्तखार उसको बॉलिंग नहीं करने आता तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसामा मीर लेग स्पिनर फास्ट बॉलर पे अच्छा वो खेल रहा है, लेग स्पिनर की वजह से भी उसको फायदा हो सकता है अगर ये बल्ला उसका चलने लग गया ऑन साइड पे, अगर ऑफ स्पिन बनेगी ना, लेके आओ उसको ट्राई करो, क्या पता ऑफ स्पिनर को शॉट खेलते हुए ब्रेक हो या मिस हिट हो जाए, एक होता है क्योंकि इफ्तखार एक नॉन रेगुलर बॉलर नहीं है, वो रेगुलर बॉलिंग करता है। मिसबाह उल हक तो कहते हैं वो यूटिलिटी क्रिकेटर है, नहीं यूटिलिटी क्रिकेटर मेरे हिसाब से थ्री डायमेंशनल, यूटिलिटी क्रिकेटर ये लोग पीएसएल के हिसाब से, ये लोग पाकिस्तान के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, वो उनकी अपनी एक वो है, लेकिन मैं फिलहाल यहाँ कह रहा हूँ कि आना चाहिए रिजवान को लेके आना चाहिए रायली रोसू के सामने। रायली रोसू का सबसे ज्यादा स्कोर 34 नॉट आउट है इस टूर्नामेंट में इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ, और एक और मैच में उन्होंने 30 रन बनाए, वरना 10 8 12 13, तो इसका मतलब यह हुआ कि वो पूरे टूर्नामेंट में स्ट्रगल करते हुए नजर आए। जी आउट हो गए रायली रोसू, और हम बात कर रहे थे इस दौरान रायली रोसू भी आउट हो गए और उनकी जो विकेट गिरी है 10 रन पर, रायली रोसू 10 रन बनाकर आउट है, क्या कहेंगे सर? मैंने आपको प्रोग्राम के याद होगा हम लोग शुरू में जब बात कर रहे थे क्वेटा इन पे डिपेंड कर रही है, और ये इनकी जो कप्तानी वाला चक्कर हुआ ना आखिरी 4-5 दिन में, ये इतना आसान नहीं है, प्लेयर पे प्रेशर आता है, और ये इतना किसी भी लीग में, ये भाई पे बोल्ड हुआ जी, ये किसी भी लीग में कप्तान एज ए कैप्टन नहीं खेलता, ये कप्तानी के बगैर तजुर्बा किया है नदीम उमर और क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने, वो हो सकता है शेन वॉटसन ने बोला होगा भाई मैं चाहता हूँ उसको बनाओ। तनवीर आपकी क्या राय है रायली रोसू पे कप्तानी का? खुर्रम सही कह रहा है, प्रेशर तो है, उसने कप्तानी कहीं नहीं की, प्रेशर तो, लेकिन आज उसको मौका मिला था तो आज वो आउट हो गया।
देखिए, एक तो आप वैसे ही इतना प्रेशर लेके आ रहे हैं कप्तानी की वजह से, और आपकी अपनी परफॉर्मेंस भी नहीं है। देखिए, आपकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं है और प्लस जेसन रॉय की परफॉर्मेंस, ये दोनों बहुत बड़े प्लेयर हैं, ये नहीं रन्स कर रहे। जब ये दोनों नहीं रन्स करेंगे तो टीम के ऊपर प्रेशर जो है वो जाता है। ये तो क्वेटा ग्लेडिएटर के स्पिनर्स ऐसे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं इतनी अच्छी बॉलिंग कर दी है कि आपकी टीम को जो है वो फायदा हो रहा है। लेकिन अगर देखा जाए प्रॉपर तरीके से, बैटिंग इतनी अच्छी नहीं है क्वेटा की, बैटिंग उस लेवल की नहीं। आप मुझे बताएं ना, ये जेसन रॉय कुछ नहीं कर रहा, रायलो रूसो कुछ नहीं कर रहा, ये ख्वाजा नाफे ने एक आध मैच में रन किए, उससे कुछ नहीं हो रहा। फिर उसके बाद आप देख लें, वसीम जूनियर एक छक्का मार देता है और बस उसके बाद इंटरव्यू देता है कि मैं पाकिस्तान का आंद्रे रसल हूँ। यार, ये वसीम जूनियर ने बोला है भाई, आपने सुना? जी, जी। वसीम खुर्रम बता रहे हैं, अपने मुंह से बोला है ये भाई, मैं खुद हैरान हूँ, इतनी बड़ी खुद बोल रहा था ये, इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट खुद आपने सुना? हाँ, वो आया हुआ क्लिप सोशल मीडिया पे बोला, ये शेन वॉटसन ने बोला कि मैं इसको बनाना चाह रहा हूँ ना, उसकी उससे डिस्कस हो रही थी, तो मुझे उसने ये बोला कि मुझे पाकिस्तान टीम में आंद्रे रसल बोलते हैं, पाकिस्तान टीम के तू आंद्रे। तो अब तनवीर अभी उसके कुछ कहेंगे, अभी नहीं, कैमरे के बगैर इधर पहले एक कॉलर ले ले, कैमरा बाद में आएगा। एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कामरान बोल रहा हूँ मोरो से नवाब शाह के पास। कैसे हैं कामरान आप? सर बिल्कुल खैरियत है सर, दुआएं आपकी। सर एक तो मेरा ये सवाल है कि जैसे आईपीएल में एक कैटेगरी के जैसे प्लेयर हैं, केन विलियमसन है न्यूजीलैंड के, जो है रूट है इंग्लैंड से, डेविड वार्नर है ऑस्ट्रेलिया के, इस टाइप के प्लेयर हमारे पीएसएल में क्यों नहीं आते? पैसा नहीं है ना हमारे पास सर, पैसा कहाँ है हमारे पास? सर पैसा तो नहीं है, पर अभी हमारा पीएसएल भी 10 साल हो गए, इसको ब्रांड बन चुका है एक। आपकी बात सही है, लेकिन इस दफा वाकई में कई प्लेयर नहीं आए। हम कल जो प्रोग्राम करेंगे उसमें अभी ये सी कैटेगरी के मेरे अंदाजे से तकरीबन जो है सही, बी भी नहीं, सी कैटेगरी के हमारे पास जो है प्लेयर कुछ है, सी तो नहीं, बी कैटेगरी के हैं कुछ और अच्छे प्लेयर हैं। तो हमारे ये मुहसिन नकवी साहब को, क्रिकेट बोर्ड को, इनको ये काम करना चाहिए, इंग्लैंड के तकरीबन जो ए कैटेगरी प्लेयर है इंग्लैंड के, ठीक है, न्यूजीलैंड के, वो तो आते ही नहीं हमारे पास। आइंदा कोशिश करें पीएसएल 10 में। बहुत बहुत शुक्रिया आपने मोरो से कॉल किया। आंद्रे रसल को आप क्या कह रहे थे, पाकिस्तान का आंद्रे रसल है? यार मेरी समझ, अगर ये आंद्रे रसल है ना, ठीक है ना, तो मैं तो पता नहीं क्या था फिर अपने, तो उसको तो खिलाया जा रहा है मुसलसल। तो ये तो एक बार में यहाँ ऐड कर दूं थोड़ा सा, ये इनका कसूर नहीं है, बनाने वालों का। जो लेके गए थे ना, जो रिकमेंड किया था जिन्होंने, मैंने आप ही के प्रोग्राम में बोला था, हमारे रजाक भाई, उन्होंने बोला था मैं पाकिस्तान टीम को हार्दिक पांड्या दे रहा हूँ। असल में हार्दिक पांड्या कहता है, असल में कहानी वहां से शुरू, कभी ये इंडियन हो जाते, कभी वेस्ट इंडियन हो जाते, असल में वहां से ये स्टोरी शुरू हुई है। हार्दिक पांड्या वो तो कप्तानी भी करता है, तो इनको कप्तानी नहीं दे देंगे? बहुत बड़ा गेम चेंजर है वो, तो ये भी गेम चेंजर है ना, छक्का नहीं लगा के जितवाया मैच। अगर इसने अपने मुंह से बोला है, ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये आंद्रे रसल का ए भी नहीं है। नहीं मतलब ये शेन वॉटसन बनाना चाह रहे हैं ना उसको आंद्रे रसल, और शेन वॉटसन भी लगता है, मतलब यानी उसको जब पाकिस्तान आके पाकिस्तान टीम इसी कल्चर में घुल मिल गए हैं, वो आकर उसका भी दिमाग करा। अच्छा, लेकिन अब इस मैच की तरफ आए तो अब आप देखें खुर्रम के अब सिचुएशन कैसी है, अब क्या देखते हैं? हर ओवर में 2 बाउंड्री चाहिए, 10 की एवरेज हो गई है, और बाउंड्री मारना इतना आसान नहीं है। लेकिन लॉरी एवंस है ना, बाउंड्री मारना क्यों नहीं आसानी? आंद्रे रसल खेल, आंद्रे रसल अभी नहीं आया ना, अभी आएगा। लॉरी एवंस आए, लॉरी एवंस जो कि बैटिंग परफॉर्मेंस की बेसिस पर जिनको रखा गया है, वो पार्ट टाइम विकेट कीपर है, तो आप समझते हैं कि लॉरी एवंस जो है वो इस बोझ को बर्दाश्त कर लेंगे अपने कंधों पर? सर ऑनेस्टली क्वेटा का शुरू में कॉम्बिनेशन बेहतर लग रहा था, मगर अभी तितर बितर लग रहा है थोड़ा सा। बॉलिंग में भी आमिर ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो गए क्वेटा, आमिर पे इतना लोड डाल दिया आज वो पिटा। देखें, एक बॉलर एक लिमिट तक अच्छा करेगा, एक टाइम आएगा वो फिर एक्सपोज होना शुरू हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है आज का मैच आमिर को नहीं खिलाना चाहिए था। फिर क्या करते हैं, इनको तो नंबर वन पे जाना है ना। देखें ना सर, मैं बता रहा हूँ ना, आपके बेंच पे हसनैन भी है, सोहेल भी, आप उनको ले लेते चाहे, अगर ये सुपर फोर में तो पहुंच गए ना, मगर अगर वो अनफिट हो जाए, आज वो जिस तरह की बॉलिंग बॉडी फिटिंग में थी आपको नजर आई आमिर की बॉलिंग? देखिए क्वेटा की टीम में वाहिद आमिर ही बॉलर था जो एक अच्छी बॉलिंग कर रहा है। हसनैन अबरार नहीं, अबरार तो अभी आज वसीम जूनियर, देखिए वसीम जूनियर भी पिछले 4-5 मैचेस से, आपने वैसे अच्छा नाम दिया मुझे आंद्रे रसल, अभी वसीम जूनियर आंद्रे रसल जो है, ठीक है, ये पिछले 4-5 मैचेस जो खेले थे पहले उसमें कितनी मार खाई थी, अगर आज भी अगर
सॉरी टू से ये सोशल मीडिया पे चला। आज भी तीन मैचों में 31 रन दिए, तीन ओवर्स में उन्होंने 31 रन दिए। सर पहली दफा थोड़ी अगर 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 आमिर भी बैठ जाता ना जिस तरह स्नैन बॉलिंग कर रहा था, 85 से ज्यादा होता है। ऐसी बात है, ये तो आमिर के तीन चार ओवर जो करा उसकी वजह से रन कम हो रहे हैं। एक कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। जी भाई, खुरम भाई, तनवीर भाई, अस्सलाम वालेकुम। कैसे रियाज खान साहब, क्या कहना चाहेंगे? सर कहने तो बहुत कुछ है लेकिन टाइम बहुत कम है। तो एक एक फर्स्ट क्लास प्लेयर मेरे घर आया और उसके आंसू नहीं गिरे, बाकी जो है उसने सब कुछ कहा। उसने कहा कि कराची की अब ये क्रिकेट हमारी रह गई है, ये कुछ कोच तो कहते हैं कि मुझे मलीर, लांडी और शाहफैसल के लोग तो चाहिए नहीं है, पसमांदा। कौन सा कोच, कौन सा कोच, नाम दे। बस नाम तो कर मैं, उसने नहीं बताया मुझे, लेकिन उसने मुझे कहा कि ये। फिर उसके बाद मेरी हैदराबाद में भी बात हुई तो मैंने कहा यार ऐसे, तो कहते यार हमारे लिए भी कहते थे कि अंदरूने सिंध के लोग नहीं पसंद। तो मिर्जा भाई कहने का कहां के पसंद है उन्हें, कराची में किस इलाके के पसंद है, कौन से जोन के पसंद है? वो कहते हैं कि जी आगे के एरिए के लोग होने चाहिए, जो अब आप खुद समझदार है कि कौन से होने चाहिए। आप बताए ना, हमारे जोन फोर की तो क्रिकेट खत्म। अच्छा चले, आप पूछना क्या चाह रहे हैं, अब सवाल आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं ये चाह रहा हूँ कि तनवीर भाई आखिर ये कब तक ये चलता रहेगा, मोनोपोली के अपने ही अपने लोगों को PSL में भी लेके आएंगे और अपने कहते हैं रीजन में भी लेके आएंगे, डिस्ट्रिक्ट में भी लेके आएंगे, ये क्यों होता रहेगा, कब तक होता रहेगा? अच्छा एक भाई मसीहा बन गए आप लोग। अच्छा मैं आपको तीन ऑप्शन देता हूँ, उसमें से आप नाम ले लें, जोन दो, जोन छह और या जोन सात, इन तीनों में से कौन सा जोन है जो आप कह रहे हैं? पाकिस्तान भाई, आप या खुर्रम भाई को नहीं पता या मिर्जा भाई आपको नहीं पता? मैं आपको पता होना चाहिए ना, हमें तो पता है यार, हमें तो पता है, आपने कॉल की, आपने इतनी शिकायतें कर रहे हैं तो हम जोन का नाम तो ले चले। बहुत बहुत शुक्रिया इस दौरान, बहुत शुक्रिया रियाज खान। इस दौरान लॉरी एवंस भी आउट हो गए, इन पे बड़ा बहुत तकिया, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। क्या हुआ, दो मैच से कह रहा हूँ उसको, इनको लाया कौन है? सबसे पहले आप ढूंढे कि लॉरी एवंस को लाने वाला कौन है? सर जो है ये तो तनवीर को पता होगा, मैनेजमेंट को ही पता होगा कौन लाया। ड्राफ्ट में थे सारे नहीं, लॉरी एवंस को एज अ विकेट कीपर कौन लेकर आया यार? अच्छा मैंने, अच्छा उमर अमीन भी बाहर बैठा हुआ है। अच्छा मैं, अच्छा मैंने अपने तौर पे पता करवाया, याद ना आप हमारी शो में इस पे बात हुई थी, मैंने उसको पता कराया, पता ये चला है कि कहीं ना कहीं ये विकेट कीपिंग करता है, मतलब उस लेवल पे नहीं, कहीं ना कहीं करता है इसको, करा जिस तरह ख्वाजा नाफे हो गया कर ली, इस तरह ये भी कर लेता है, तो उसकी बैटिंग में रन्स अच्छे थे उन्होंने उसे, तो क्या उसने कौन सा तीर मार लिया? कोई तीर नहीं मारा ना। चले इस पर हम बात करेंगे, कसूर पता है किसका है? सरफराज का। चले इस पर हम बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया प्रोग्राम में एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको जोश जगा दे, एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम जिद्दोजहद में मसरूफ है, ख्वाजा नाफे और उनके साथ उमैर बिन यूसुफ इस वक्त क्रीज पर मौजूद है। चार विकटें गिर चुकी हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स की और उन चार विकटों में जेम्स विंस, सऊद शकील, उसके अलावा जो है अभी इनके जो एक और बैट्समैन थे लॉरी एवंस, वो आउट हुए हैं। तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल से दो चार है इस वक्त क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम। खुर्रम क्या देखते हैं ये पार्टनरशिप जो है नाफे की और उमैर बिन यूसुफ की, क्योंकि फिर इसके बाद जो है ऑलराउंडर्स ने आना है बैटिंग के लिए? नहीं, वो ऑलराउंडर्स बनाए हुए हैं तो कोई भी नहीं, कहने का मतलब कप्तान भी इनके आउट हो गए, रायली रॉसो जिनका नाम मैं भूल गया था। सर मसला सिर्फ ये है, ये गेम चाहिए, असल मसला सारा ये है कि एक हैंड से उमैर ट्राई कर रहा है, नाफे को भी चाहिए स्ट्राइक कम अज कम डॉट बॉल से अवॉइड करे और एक शॉट मारने की कोशिश करे जो बाउंड्री का वो चांस ले रहा है, तो पार्टनरशिप तब बिल्ड। अब अगर आप 10 की एवरेज को 15 पे ले जाके फिर मैं सेट होके मारूंगा, अभी अभी 8 के एवरेज से चल रहे तनवीर, 8 ओवर में 64 रन, चार खिलाड़ी आउट, तो अभी भी इनको 122 रन बनाने 12 ओवर में, 10 का एवरेज है। खुर्रम सही कह रहे, देखिए अगर मुझसे कोई पूछे क्या ये दोनों लड़के ये रन बना सकते हैं, मेरे दिमाग में सबसे पहले एक चीज आएगी, शायद ना बना सके। ख्वाजा नाफे बना सकते हैं, शायद ना बना सके, क्योंकि वो एक खुद एक पहली दफा खेल रहे हैं, टैलेंटेड है, पहली दफा खेल रहे हैं, अभी छक्का अच्छा लगाया, लेकिन इतने रन के लिए फिर आपके वही मैं पीछे जाऊंगा, आपके सीनियर्स को परफॉर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैच हार जाओ लेकिन ये दोनों अगर अपने रन कर गए तो उन्होंने अपना काम कर दिया। एक कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा, कहां से बात कर रहे हैं? उस्मान शबीर बात कर रहा हूं, कोट अद्दू से। जी कोट अद्दू से, बताइए क्या कहेंगे उस्मान? सर मैंने ये आपसे पूछना था कि ये मुजफ्फरगढ़ के पास है ना कोट अद्दू लैया? जी जी सर, जी सर बिल्कुल। क्या क्या पूछते जाएंगे?
सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जो हम मतलब बाहर से कोच हायर करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सीनियर जो हैं वो उनको क्यों नहीं इसमें लाते, कोच क्यों नहीं मतलब लाए तो थे अभी हफीज साहब को लाए तो थे डायरेक्टर क्रिकेट बनाकर, जैसे शोएब अख्तर हो गया ये वसीम अकरम, इनके नाम कभी नहीं सुने। वसीम अकरम तो कंसल्टेंट गए थे कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ, गालिबन उनको कोच नहीं बनाया जाता कहीं। नहीं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। चले चले इस पे आपका ये सवाल है भाई क्यों नहीं बना, पाकिस्तानी लोकल कोचेस क्यों नहीं होते, खुर्रम आप बताइए। उन लोगों का लेवल हाई है, आप उनको उस लेवल की अप्रोच करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे, वो तो बोलते हैं पाकिस्तान के सर्व करने के लिए हम बैठे। आप क्या कहेंगे, वकार यूनुस भी रहे हैं माजी में कोच, कई पाकिस्तान का हो, मिसबा भी रहे हैं पाकिस्तान को, या कई वकार यूनुस है कोई कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, मिसबा कोई कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं, मिसबा हफीज कोई कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं, कहां से लाए, इवन बाहर का भी आए, बाहर का भी है जिस देखे ये जो आके बैठ के बात करते हैं ना जी हमने इतना अरसा क्रिकेट खेली हमें सब कुछ पता है, भाई दुनिया बदल चुकी है, आपकी क्रिकेट के साथ आपका कोचिंग कोर्सेज का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, आपके पास जो अपना एक्सपीरियंस तो है, ने किया हुआ है कोचिंग कोर्स शेन वॉटसन, नहीं होना चाहिए उसको भी कोचिंग कोर्स इसमें नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान टीम का हेड कोच नहीं होना चाहिए, मेरी अपना एक सोच है, मेरी अपना एक ओपिनियन है। जब तक आप एक्सपीरियंस देखे दुनिया के जितने बड़े कोच है हम जिनकी बात करते हैं ठीक है उन सबके तो उठा के देख ले सबके वो कोचिंग कोर्सेज हैं। इस पर हम बात करेंगे क्योंकि आप बहुत सारे माइक हैसन न्यूजीलैंड के, उन्होंने कोई बड़ा को, मतलब किसी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली लेकिन वो बड़े जबरदस्त कोच हैं, बहुत सारे ऐसी एग्जांपल्स आपको दे सकते हैं, मिकी आर्चर ने कौन सी टेस्ट क्रिकेट खेली, क्रिस सिल्वरवुड ने इतनी ज्यादा नहीं खेली, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। इस वक्त एक कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इकबाल भाई, राहिल बात कर रहा हूँ कराची से। जी राहिल क्या कहेंगे, आपकी कॉल पहले भी मिली थी मुझे याद पड़ता है जी, मेरी दो तीन मतलब कॉल लग चुकी है। जी जी क्या कहना चाहेंगे जी। जी मेरा क्वेश्चन है आज अपने एक्सपर्ट जो बैठे हुए हैं कि अब तक की जो पीएसएल हुई है आज आखिरी ग्रुप मैच था तो अब तक के तीन इम्पैक्टफुल प्लेयर कौन से हैं इनकी नजर में, ठीक है पूरी एचबीएल पीएसएल में। ठीक है राय थैंक यू, बताएं तीन कौन कौन से इम्पैक्टफुल प्लेयर कौन कौन से। एक तो वो क्या नाम है उसको मेहरान मुमताज, लेकिन कल यहाँ पर वो स्पीच पर जो पिटाई हुई अच्छा चले, और दूसरा तनवीर आप भी सोचे नाफे हो गया, तीसरा वो है मोहम्मद अली आपकी नजर में। देखिए एक तो मोहम्मद अली है, अच्छा दूसरा मुझे सऊद शकील ने इम्प्रेस किया, अच्छा उसने जिस तरीके से कभी वो T20 इतना नहीं खेल रहा था ना, हालांकि मैंने इस वजह से बोला इम्प्रेस क्यों किया क्योंकि वो तो इस फील्ड इस फॉर्मेट का लाइन में वो कहते हैं टेस्ट का प्लेयर है ठीक है ना, उसने बहुत जबरदस्त किया है, और मेहरान मुमताज भी एक अच्छा है, उसने अच्छा किया है। साइम अयूब ने बड़ा इम्प्रूव किया है अपना बैटिंग को, अगर टैलेंट वाइज मैं देखूं टैलेंट वाइज तो मुझे नाफे बहुत अच्छा लगा टैलेंट वाइज, लेकिन वो वैसा परफॉर्म नहीं कर सका जिस तरह उसको करना चाहिए था क्योंकि उसके पास एक डोमेस्टिक एक्सपीरियंस नहीं है। एक नाम मैं और ऐड करना चाहूंगा, साहिब दादा फरहान, उसने साहिब दादा फरहान को शुरू में खिलाया बाद में उसको बिठा दिया, नहीं उसने जितनी क्रिकेट खेली ना फेयरलेस और इम्पैक्टफुल क्रिकेट खेली, लाहौर की तरफ से एक वो वाहिद लड़का था जो फेयरलेस खेल रहा था और जितनी भी परफॉर्मेंस की उसने 10 की हो 80 की हो वो इम्पैक्टफुल रन थे, सामने वाली टीम को डैमेज किया। ये अराफात मिनाज जो लास्ट मैच खेला था ये भी अच्छा लगा मुझे, लेफ्ट आर्म स्पिनर जो सपोर्ट थी पिच की नए लड़कों में, मतलब वो मतलब ऐसा है कि जो फर्स्ट टाइम खेलता ना वो आपको फील होता है कि यार इसमें कुछ ना कुछ टैलेंट नजर आता है, ये उस टाइप का मुझे लगा सही। लेकिन ये है कि डोमेस्टिक खेलनी बहुत जरूरी है। 10वां ओवर है, क्रिस जॉर्डन बॉलिंग कर रहे हैं और अभी 69 रन है, अभी भी बहुत एक तवील सफर तय करना है इनको, और जिस तरह के बैट्समैन क्रीज पर मौजूद है तवक्को करते हैं ख्वाजा नाफे चलाना शुरू करेगा। नहीं देखे T20 एक वाहिद ऐसा फॉर्मेट है जो एक ओवर में गेम चेंज हो जाता है, तो अगर एक ओवर 20 रन का लग गया तो क्वेटा की तरफ मैच का मोमेंटम हो जाएगा, फिलहाल जो है मोमेंटम वो मुल्तान की तरफ है, मगर दोनों जिस तरह के प्लेयर हैं ये कर सकते हैं, एटलीस्ट नाफे जिस तरह की हिटें मारता है अगर उसके कनेक्ट होना शुरू हो गए तो ये दोनों पेयर अच्छा पार्टनरशिप कर सकते। अब तक अब्बास आफरीदी और उनके अलावा डेविड विली ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, दो दो ओवर्स किए हैं तो डेफिनेटली ये बाद में भी मुश्किल डाल सकते हैं, लेकिन मोहम्मद अली जो थे इतने इंप्रेसिव नहीं नजर आए अभी तक इस मैच में। देखिए इन दोनों प्लेयर्स की इनिंग होगी उसी टाइम अच्छी क्योंकि बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर के खिलाफ बॉलर्स के खिलाफ वो रन करेंगे अगर ये करते हैं। दो ओवर में 23 रन दिए मोहम्मद अली ने अब तक, वो हम जिस तरह कह रहे अच्छा बिल्कुल ही नहीं कर सका, मुल्तान से जैसे ही हटाया वो बॉलिंग हुई नहीं है उससे, इस्लामाबाद में थोड़ी बहुत बेहतर हुई लेकिन जिस तरह उसने मुल्तान में 12-13 आउट करके निकला है तो हमने बोला पता नहीं
उसके बाद कितने आउट करेगा, लेकिन उससे बिल्कुल नहीं है वो, रन्स भी उसको जो है वो होते रहे। लेकिन जॉर्डन और ये जो विली की हमने बात की है कि वो जाहिर सी बात है बहुत ह्यूज एक्सपीरियंस। अब्बास आफरीदी वो भी स्लोअर वन अपनी जो मिक्स करता है बड़ी मुश्किल डालता है। उस्मान ये क्या नाम है इसका, उस्मान जो लेग स्पिनर है, उसामा मीर सॉरी, इनके खिलाफ अगर ये दोनों रन करते हैं तो बहुत अच्छी इनिंग होगी। इस पर हम मजीद बात करेंगे, वक्त हो गया प्रोग्राम के एक और ब्रेक का, ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा आपको ज्वाइन करें। और क्वेटा एक दफ़ा फिर आपको ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम मुश्किल सूरत हाल से दो चार है, 11 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम के सामने जो हदफ है 186 रन का, एक पहाड़ जैसा हदफ, 5 विकटें गिर चुकी हैं। खुर्रम क्या कहेंगे, अभी भी पकड़ सकती है क्योंकि इसके बाद आना है वसीम जूनियर को जिन्होंने छक्का लगाकर अपनी टीम को फतह दिलवाई। सर बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि ऑलमोस्ट 12-12.5 रन की एवरेज हो गई है, हिट लग नहीं रही है, बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट। अकील हुसैन जितवा सकता है, उमर देखिए हिटे तो मारता है वो, अकील हुसैन मारता है हर लीग में जहाँ जाता है, वो एज ए ऑलराउंडर ही कंसिडर करते हैं आखिर में, स्पेशली 3-4 ओवर का प्लेयर, आज तो बैटिंग जल्दी आ गई उसकी। डेविड विली का एक ओवर बाकी है, क्रिस जॉर्डन का बॉलर 2 ओवर है, अब्बास आफरीदी के 2 ओवर है। तनवीर आपकी क्या राय है? देखिए कितने मैच मैंने ऐसे देखे कि आंद्रे रसल ने इतने जबरदस्त छक्के मारता है लेकिन टीम जीत नहीं सकती। कौन सा, वेस्ट इंडीज वाला है? वेस्ट इंडीज वाला। ठीक, आपने कितनी लीग देखी होगी, वो ठीक ठाक किस्म के छक्के लगा के बेशक टीम हार जाए लेकिन वो अपनी इनिंग ऐसे खेल के जाता है। तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि आज वो क्या करे, वसीम जूनियर जो हमारे आंद्रे रसल है वो कैसी जो है इनिंग खेलता है। चले